हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड आप लोग का इतना सारा रेगुलर एक ही कमेंट देख के मैंने सोचा क्यों ना इस पे वीडियो बना ही दिया जाए। जी हाँ, आप लोग जो नर्सिंग कोर्स जो हमारे बोकारो जनरल हॉस्पिटल में होता है GNM का, उसका टोटल कितना फ़ी लगेगा या क्या फ़ी स्ट्रक्चर है या मेस का क्या फ़ी है, इसी के रिलेटेड आज का वीडियो है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा लास्ट तक, ताकि आपको समझ में आ जाए फ़ी स्ट्रक्चर आखिर कैसा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो हमारे जो स्कूल ऑफ नर्सिंग में फर्स्ट ईयर में एडमिशन में कितना लगता है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में आपको एडमिशन में आपका 26,000 हो जाता है, ठीक है, जो कि आपको DD के थ्रू बनाना पड़ता है। मतलब DD बना के आपको जमा करना पड़ेगा, जो कि एक 23 का बनेगा और एक 3,000 का बनेगा। और जो आपका 3,000 का रहता है उसको कॉशन मनी बोलते हैं, जो कि आपका कोर्स कम्प्लीट हो जाएगा 3 साल, उसके बाद आपको रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंड ईयर में आपका कितना फीस लगेगा, 12,000 लगता है, ठीक है। 12,000 सेकेंड ईयर का फ़ी है एंड थर्ड ईयर का भी आपका 12,000 फ़ी है, ठीक है। ये ट्यूशन फ़ी वगैरह हो गया सारा आपका, तो मतलब इधर टोटल 26 एंड उधर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का 12 करके मतलब 1000, इतना आपका फ़ी स्ट्रक्चर। अब बात करेंगे आपका बुक्स जो होगा एंड आपका यूनिफॉर्म का क्या लगेगा, ठीक है। तो एज अ अप्रोक्स बोला जाए तो आपका जो तीनों ईयर का बुक, ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों ईयर का बुक्स एंड यूनिफॉर्म आपको मिलेगा, मतलब स्कूल का यूनिफॉर्म मिलेगा जो क्लासेस करने के लिए, ड्यूटी करने के लिए और आपका जो एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तीन यूनिफॉर्म मिलेंगे, शूज मिलेंगे, स्वेटर मिलेंगे, हाई नेक मिलेगा, दो एप्रोन मिलेगा, सॉक्स मिलेगा, ये सारा आपका उसमें इंक्लूडेड होगा। अप्रोक्स 20,000 to 25,000 आपका उसमें लग जाएगा, मतलब तीनों ईयर का बुक्स के लिए एंड यूनिफॉर्म के लिए, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए कि आपका कितना लग रहा है। बाकी बात करें कि जो हमारा एग्जामिनेशन फ़ी होता है उसका अलग लगता है, ठीक है। जैसे फॉर्म फिलअप के टाइम वो तो हर ईयर इंक्रीज होते रहता है, 800 समथिंग आपका जो फॉर्म फ़ी है वो हम लोग के टाइम में लगा था। तो अभी का कितना लग रहा है तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन 1000 आप रख लीजिए। तो फर्स्ट ईयर में आपका 1000 जो फॉर्म फिल करने के लिए फ़ी लगेगा, सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का, तीनों ईयर का, ठीक है, मतलब 3000 हो गया अराउंड। तो अगर बोला जाए तो सबसे लो कॉस्ट में हमारा BGH में आपका नर्सिंग कोर्स GNM कराया जाता है, क्योंकि ये एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, ये पूरी तरह से प्राइवेट नहीं है। और झारखंड में जो भी अगर प्राइवेट कॉलेज में बात करें तो सबसे मतलब थोड़ा बोला जाए तो कम में आपका यहाँ पे होता है हमारे यहाँ नर्सिंग कोर्स। अब बात करते हैं हमारे मेस फी के बारे में, ठीक है। तो हमारा जो मेस फी है वो हर ईयर वाइज, मतलब ईयरली वाइज इंक्रीज होता है। तो अभी का उसका 2600 मेस फी है और आपको 4 times का खाना मिलेगा, मतलब 3 times के नाश्ता मिलेगा और इवनिंग का भी आपको स्नैक्स वगैरह मिलेगा, चाउमीन, पास्ता, मतलब हर फैसिलिटीज़ आपका खाना मतलब मिलेगा, पौष्टिक जो प्रोटीन आपको चाहिए, विटामिन चाहिए, उस टाइप का सारा कुछ इसमें इंक्लूडेड रहता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं और 2600 में बहुत ही कम है हम लोग का मेस फी रेंज। अगर बाकी जगह बाहर में बात करिए तो इससे ज़्यादा आपको लगता है। तो लो कॉस्ट में बहुत ज़्यादा ही अच्छा यहाँ पे आपको खाना, लेकिन थोड़ा हॉस्टल का खाना तो हॉस्टल का खाना होता है, मतलब ये नहीं बोल सकते एकदम परफेक्ट घर का जैसा लगेगा, लेकिन फिर भी ठीक ठाक खाना रहता है यहाँ का। अब बात करते हैं कि हमारा जो हॉस्टल चार्ज क्या रहेगा। तो इसमें बहुत अच्छी बात है कि हमारे BGH में कोई भी हॉस्टल चार्ज नहीं लगता है, मतलब आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है हॉस्टल, आपको हॉस्टल में रहने के लिए एक भी रुपया देने का जरूरत नहीं। तो आई होप आप लोग को हेल्प मिल गया होगा कि आपको कितना फ़ी लग सकता है हमारे BGH में एडमिशन कराने के लिए, तो ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको और भी कुछ रिलेटेड कन्फ्यूज़न है तो कमेंट कर दीजिएगा या तो मुझे इंस्टाग्राम नर्सिंग रानी में DM कर दीजिएगा, मैं जितना हो सके आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।